Hello viewers, subscribe our channel Multidudes and don't forget to press the bell icon on the YouTube app to get latest updates. हेलो दोस्तों, सो आखिरकार ये ट्रिप खत्म हो गया तो अब हम लोग उतरेंगे कालका की ओर। वैसे चले जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या करें, ट्रिप तो बस कुछ ही दिनों का होता है और कुछ ही दिनों का ही था। तो फ्रेंड्स, अब हम लौटेंगे कालका की ओर और हिमाचल को टाटा बाय बाय करके अब हम लौटेंगे सीधे कालका। तो खैर, अभी हिमाचल प्रदेश और इस होटल को अलविदा कह के हम अभी बढ़ रहे हैं कालका की ओर। वैसे जाने का तो मन नहीं कर रहा था, पर क्या करें। तो फ्रेंड्स, अभी हम बढ़ रहे हैं कालका की ओर। फ्रेंड्स, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये कुफरी है, जो शिमला से करीब थोड़ा वो दूर है, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। वैसे अप्रैल मई में अगर आएंगे तो यहाँ से थोड़ी दूर में बर्फ़ भी दिखता है और यहाँ पे एक छोटा मोटा मार्केट भी है, तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं। हमारे पास टाइम नहीं था इसीलिए हमने नहीं उतरा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं कह रहा था, शिमला में सिर्फ एप्पल्स ही फेमस नहीं है और भी बहुत चीज़ें फेमस हैं, जैसे पीचेस, आलू बुखारा, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो वैसे पीचेस, आलू बुखारा, एप्पल्स और चेरीज़ आपको मिल जाएंगे। एप्पल्स का सीज़न तो आप जानते ही होंगे, वो अगस्त के लास्ट और सेप्टेम्बर के फर्स्ट में आपको मिल जाएगा, और चेरीज़ का सीज़न होता है मई के लास्ट या जून का फर्स्ट वीक। सो अगर आप उस समय जाते हो तो ये चीज़ें लेना मत भूलिए। और भी एक फल मिलता है जिसका नाम है बाबू गोशा, जिसका पिक मेरे पास नहीं है पर वो भी खाने में बहुत टेस्टी है, मैंने भी खाया था वो।
इस जगह का नाम मेरे को कुछ खास याद नहीं आ रहा, पर ये कसौली से थोड़ा दूर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लुका था और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का एक जूस सेंटर है, वहाँ से मैंने एप्पल जूस खरीदा जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप एप्पल जूस लेना मत भूलिए, और ये एकदम रियल एप्पल जूस है। ट्रॉपिकाना और रियल का जो एप्पल जूस होता है उसमें पूरा एप्पल जूस नहीं रहता है, वो आप जानते ही होंगे, पर फ्रेंड्स ये एकदम रियल है, आप टेस्ट कर सकते हैं, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। फ्रेंड्स आखिरकार हम हिमाचल प्रदेश के गेटवे पर आ ही गए हैं जहाँ पर इसका क्षेत्र ख़त्म होता है। तो हिमाचल प्रदेश फिर मिलेंगे कभी ना कभी। तो फ्रेंड्स आखिरकार हम हरियाणा घुस ही गए। तो फ्रेंड्स ये कालका स्टेशन का रात का नज़ारा है, 8:20 बजे थे तब, और थोड़ी देर पहले ही हम कालका स्टेशन में उतरे थे। और अभी मैं बढ़ रहा हूँ टॉय ट्रेन के सेक्शन के तरफ, क्योंकि टॉय ट्रेन से मेरा एक अलग ही लगाव है बचपन से, और बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि ये ट्रेन दूसरे ट्रेन के मुताबिक बहुत अलग दिखता है। और फ्रेंड्स हमारा ट्रेन था कालका मेल, जो कि यहाँ से रात 11:55 को छूटेगी। तो फ्रेंड्स अभी भी बहुत देर है, इसीलिए मैं थोड़ा सा घूम रहा था, और ये रात का नज़ारा है कालका स्टेशन का। अचानक मैंने देखा कि शिवालिक एक्सप्रेस जो स्पेशल है वो घुस रहा था कालका स्टेशन में, जो कि आप देख सकते हैं।